हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं अपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है क्योंकि हम हल्दिया रिफाइनरी का क्वेश्चन पेपर को डील करेंगे और ये पार्ट वन रहने वाला है। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, इसी प्रकार से वीडियो आता रहेगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि रिवेट इज़ मेड अप ऑफ, तो इसका राइट आंसर माइल्ड स्टील था। वीडियो के अंत में आज भी आपसे एक सवाल पूछा जाए जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और सिर्फ एक लोग राइट आंसर दे पाए हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, प्लीज़ राइट आंसर दिया कीजिए। आप लोगों का कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि बॉइलिंग ऑफ क्रूड ऑयल एट 180 डिग्री सेल्सियस टू 220 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म मोटर स्प्रिट डीजल की बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज, तो आपका समय शुरू होता है। अब फटाफट से सोचिए, हर एक क्वेश्चन में आपको 4 सेकंड सोचने के लिए मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डीजल हो जाएगा। 180 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 220 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाए क्रूड ऑयल को, तो हमारा डीजल मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉइलिंग ऑफ क्रूड ऑयल एट 60 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म पेट्रोल डीजल की बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस, तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल हो जाएगा। जब बॉयल करते हैं हम लोग क्रूड ऑयल को 60 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा पेट्रोल मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडस्ट्री पेट्रोल इज ऑल्सो नोन बाई मोटर स्प्रिट डीजल या फिर फ्यूल गैस या फिर नन ऑफ दिस, तो आपका समय शुरू होता है अब। इंडस्ट्री में पेट्रोल को किस नाम से जाना जाता है, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोटर स्प्रिट हो जाएगा। इंडस्ट्री में पेट्रोल को मोटर स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर इनिशियल डिस्टिलेशन प्रोसेस लाइट प्रोडक्ट हैवी प्रोडक्ट बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस, तो आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सोचिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा प्लांट से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाइट प्रोडक्ट मिलता है। जैसे ही क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं तो जो प्रोडक्ट जो सबसे इनिशियल स्टेज में मिलता है वो लाइट प्रोडक्ट रहता है। और वो कौन सा रहता है, तो सबसे पहले गैसोलीन बोलते हैं उसको जो सबसे फर्स्ट टाइम प्राप्त होता है, या फिर उसको पेट्रोल या मोटर स्प्रिट सारा कुछ उसी को बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूल यूज्ड इन एयरप्लेन इज ATF, MS, RCO या फिर नन ऑफ दिस, तो आपका समय शुरू होता है अब। ATF का मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, MS का मतलब मोटर स्प्रिट और RCO का मतलब रिड्यूस क्रूड ऑयल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ATF हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके समझने के लिए तीनों का फुल फॉर्म बिल्कुल लिख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप हैज़ हायर स्पेसिफिक स्पीड, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, स्क्रू पंप या फिर एक्सियल पंप। तो इसका राइट आंसर को फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।